खबरें आपने देखी, अब आगे बढ़ते हुए किस्सा कुर्सी के में राजनीतिक खबरों का रुख हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की सियासत की करेंगे। शराब घोटाला केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े दो मामलों पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और जहाँ से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। उस पर एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे, हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो वहीं केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं। ये किताबें हैं गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये 3 किताबें अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगी गई हैं जिन्हें वो जेल में पढ़ना चाहते हैं। और इन किताबों से मालूम होता है कि कैसे वो गीता में पढ़ के गीता के उपदेश, गीता के संदेश अपने जीवन में अमल में लाना चाहते हैं। रामायण का पाठ भी वो करेंगे और साथ ही साथ तीसरी किताब की भी उन्होंने मांग की है। दरअसल 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। तिहाड़ जेल में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर वो ये किताबें पढ़ेंगे और ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ा मैसेज भी इन किताबों के जरिए वो देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार जेल से वो सरकार चला रहे हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके संदेश को जनता तक पहुँचा रही हैं। इसके अलावा दूसरा मामला केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था। सुरजीत सिंह यादव ने PIL दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया से कहा ये जो कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि PM जो कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। सुनवाई से पहले कोर्ट में ले जाते हुए गैलरी में अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रहा हूं, क्या कहेंगे? अरविंद जी पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रहा हूं, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रहा हूं, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रहा हूं, क्या कहेंगे? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पूरे विश्व के अंदर भारत की न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दुनिया शपथ लेती है और कानून अपना कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति व वंश या संगठन या पार्टी कानून व इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से चल रही सरकार की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, करप्ट लुटेरे घोटालेबाज बख्शे नहीं जाए। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि PM जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद सुनवाई होती है और फिर उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया जाता है। ईडी कह रही है अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे वो रिमांड की मांग करेगी, लेकिन ईडी ने अपनी बातों में ये जरूर कह दिया कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। इन सभी बातों को लेकर BJP हमलावर है और वो यही कह रही है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अब कैसे भ्रष्टाचार के मामले में एक के बाद एक चेहरा सामने आ रहा है, जो जेल में जाता है वो वापस आता ही नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। इन सब के बीच में सुनीता केजरीवाल की भी एक तरीके से पॉलिटिकल एंट्री हो गई है। दरअसल 24 मार्च को सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आई। उनका फ्रेम वही था जो अरविंद केजरीवाल का हुआ करता था। उन्होंने जल संकट पर केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। 27 मार्च को फिर से उसी फ्रेम में सुनीता केजरीवाल नजर आई और केजरीवाल का संदेश सुनाया। इन दोनों संदेश को पढ़ने के दौरान सुनीता केजरीवाल की ओर से भावनात्मक अपील की गई, लेकिन 31 मार्च को सुनीता आम आदमी पार्टी की रैली में केजरीवाल का वही अंदाज दिखाई दिया जो केजरीवाल का अक्सर देखा जाता रहा है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल की 6 गारंटियों को जनता के सामने रखा और ये बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल के जरिए किए गए हर वादे को दिल्ली की जनता से पूरा किया गया है। लेकिन एक के बाद एक ये जो 3 तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक तरीके से
पॉलिटिकल एंट्री लेती हुई इसमें नजर आ रही हैं और विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस उसकी रैली में मंच से खुलकर बोली भी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम क्या आने वाले हैं कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसे में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूँ। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा, मंजूर है। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर MSP निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है। छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है, देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है, उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है, ये अन्याय हम समाप्त करेंगे, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है। तो सुनीता, केजरीवाल समेत कई दिग्गजों ने कल हुंकार भरी और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है उस पर भी सवाल उठाए, तो कल मेरठ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रहार किया भ्रष्टाचार को लेकर और कहा कि भ्रष्टाचार मिटाओ हमारा मकसद है और ये देश की सुरक्षा का मामला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं, और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, एक खेमा NDA का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में, फैसला आपको करना है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, परिवारवाद का खात्मा होगा, साथ ही आम जनता पर छोड़ा कि आप जो चाहते हैं वही होगा, यानी कि लोकसभा इलेक्शंस की तरफ सीधे सीधे इंडिकेशन पीएम मोदी ने दे दिया। लेकिन इन सब के बीच में विपक्षी एकता एक बार फिर से नजर आई है, इंडिया गठबंधन के नेता खुलकर बात कर रहे हैं और इस तरह की हुई कार्रवाई को लेकर सवालों की एक लंबी लिस्ट है जो विपक्षी नेताओं के जरिए खड़ी की जा रही है। इन सबके साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से क्या डर गए हैं पीएम मोदी या फिर बीजेपी, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, इस तरह के इंडिकेशंस भी गोपाल राय ने दिए हैं, एक बार सुनिए।
अरविंद केजरीवाल बाहर से ज्यादा जेल के अंदर खतरनाक है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। आपने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद होंगे, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने के बाद आज से लड़ाई शुरू हुई है। पूरा देश मिलकर के इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए करदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। ये वही केजरीवाल हैं जिनके पूरे करियर का लॉन्च हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, खासतौर से रामलीला मैदान में, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे को जिस तरह से इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। तो अब केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि पीएम जो भी कर रहे हैं गलत है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी देश के लिए अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मंच से कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इधर विपक्षी नेता कह रहे हैं, यानी कि इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं जानबूझकर की गई कार्रवाई है। इस पर बात करेंगे। अरविंद मोहन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज। हिमांशु भट्टी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक मेहता सर हैं एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन इन सब से पहले आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कानूनी तौर पर बताएंगे कि आगे होगा क्या। आशीष, आज हमने देखा कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्षों को सुना गया और फिर अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए अब जेल में भेज दिया गया है। आगे अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी विकल्प क्या है, ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है और क्या जेल में रहते हुए सरकार चलाना आगे भी संभव है? देखिए, सबसे अहम बात है कि ईडी ने आज अपने आगे की जो कार्रवाई होगी उसकी जो पटकथा है वो आज लिख दी है। ईडी ने आज अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके फोन का जो पासवर्ड है वो ईडी को वो दे नहीं रहे हैं। तीसरी अहम बात ये कही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। चौथी अहम बात ये कही कि अभी हम इनकी जुडिशियल कस्टडी पे इनके हम एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं लेकिन भविष्य में हम इन्हें रिमांड पर लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेंगी, ये तय मान के चलिए। दूसरी सबसे अहम बात कि इस मामले में आने वाले समय में सीबीआई की तरफ से भी कार्रवाई होगी क्योंकि सीबीआई ने ही आबकारी नीति मामले की जांच शुरू की थी। इससे पहले पिछले साल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी की थी। तो ये तय मान के चलिए कि देर सवेर सीबीआई की तरफ से भी एक एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी और अरविंद केजरीवाल के रिमांड की मांग की जाएगी। तीसरी अहम बात कि इस मामले में चूंकि अब अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है तो उनकी तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या वो 3 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में जो उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, जो उन्हें हिरासत में रखा गया है वो अवैध है, उससे पहले वो अर्जी दाखिल करते हैं या उसके बाद वो अर्जी दाखिल करते हैं। चौथी अहम बात, जो आप दिल्ली की सत्ता की बात कर रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता जेल से संभालेंगे, ये अब जो है वो मुझे लगता है कि मुश्किलें हैं लेकिन उसके लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले कुछ समय से दर्शक जो है होंगे वो इस बात को ध्यान दे रहे होंगे कि सुनीता जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो अरविंद केजरीवाल की जगह पर बैठ के अरविंद केजरीवाल के संदेशों को पढ़ रही है। ऐसा 3 बार हुआ है। इसके अलावा जो कल रामलीला मैदान में महारैली थी, सोनिया गांधी के ठीक बगल में सुनीता केजरीवाल बैठी थी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ दिनों में या कुछ महीनों में राहत नहीं मिलती है तो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सुनीता केजरीवाल को देखा जा रहा है। जी रचना। आशीष, इसके अलावा क्योंकि चर्चा ये भी चल रही थी कि सीबीआई भी तैयारी कर रही है, सीबीआई का क्या अगला कदम होने वाला है और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से क्या दलीलें दी गई, क्योंकि आतिशी का भी जिक्र हुआ, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद उनको कोर्ट किया। नहीं देखिए, मैंने सीबीआई की दलील आपको बताई कि सीबीआई के जो सोर्सेज है वो यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में वो अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर अर्जी दाखिल करेंगे।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय न्यायिक हिरासत में है, यानी अदालत की हिरासत में है, लिहाजा अगर उनकी रिमांड चाहिए होगी तो अदालत का रुख करना होगा और उसके बाद ही अदालत उन्हें न्यायिक जो रिमांड है सीबीआई की वो देगी। दूसरी बात रही केजरीवाल की तरफ से, अदालत में दो अलग अलग अर्जियां मूव की गई। पहला तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें श्रीमद भगवद गीता दी जाए और श्री रामचरित्र मानस दिया जाए। दूसरी अर्जी ये दाखिल की गई कि उन्हें पढ़ने के लिए मेज और कुर्सी दी जाए। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी सेल सेल नंबर 2 में रखा जाएगा, जो एरिया है वहां पर रखा जाएगा जहां पर हाई प्रोफाइल जो आरोपी होते हैं उनको रखा जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा अहम है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से तिहाड़ जेल के जो अधिकारी हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे थे और आज सुबह भी 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग हुई है तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने की है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से रखा जाएगा, किस सेल में रखा जाएगा, किस तरह की सहूलतें दी जाएगी। तो ये अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने को लेकर तैयारियां तो हो गई है, लेकिन सीबीआई अगला मूव कब करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत अर्जी कब दाखिल की जाती है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। अच्छा आशीष, ये और बताइएगा, तो आपने कहा अपनी बात में कि सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद उनके संदेश पढ़कर सुना रहे हैं, इमोशनल वो मैसेजेस हैं, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना पद छोड़ते हैं तो अगले सीएम के तौर पर हम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को देखेंगे, इसमें कानूनी तौर पर प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या वो प्रोसीजर रहेगा और कैसे उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए वो 6 महीने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 महीने तो वो वैसे भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है। सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी ये तय मान के चलिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो, क्योंकि राजनीति में हर चीजें कहीं नहीं जाती रचना, क्योंकि आप भी एक अनुभवी पत्रकार है, आप इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कुछ चीजों को इशारों में बताया जाता है, समझाया जाता है, दिखलाया जाता है ताकि लोगों के जहन में वो चेहरा बैठ जाए। तो सुनीता केजरीवाल का जो चेहरा है वो लोगों के जहन में बैठाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में वो सत्ता की कमान संभाले, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो रैली हो, चाहे वो पत्रकारों के सवालों के जवाब हो, चाहे वो बयान देना हो, इन सब में सुनीता केजरीवाल को अब प्रमोट किया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है। सुनीता केजरीवाल वो शख्स रही है जो हमेशा पर्दे के पीछे रही है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ दिखती जरूर थी लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे रही है। पर्दे के आगे आना, खुलकर आना, केजरीवाल की जगह पर बैठना, कल महारैली में सोनिया गांधी के साथ बैठना, ये सारी चीजें इस बात का संकेत देती हैं और ये बतलाती हैं, समझाती हैं, दिखलाती हैं कि आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो ये तय मान के चलिए कि सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। क्या इसकी एक और वजह भी हो सकती है, क्योंकि आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि गिरफ्तारी अभी और भी हो सकती है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जिसमें वो अपना भी जिक्र कर रही थी और उसके साथ ही सौरभ भारद्वाज को लेकर भी उन्होंने कहा, हालांकि ये दो प्रमुख चेहरे इस वक्त जो अरविंद कैबिनेट है उसमें नजर आते हैं, क्या इसीलिए सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा रहा है? नहीं देखिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का पार्टी में वो कद नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके, इसको समझने की जरूरत है हमें वंदना। अगर इस समय मनीष सिसोदिया होते तो एक बार को कयास लगाया जा सकता था कि मनीष सिसोदिया को शायद बनाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी कोई उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो संकेत है वो साफ यही मिल रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल ही जो होंगी वो मुख्यमंत्री होंगी। जहां तक इन दोनों चेहरों का सवाल है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, दिल्ली सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, चूंकि कैलाश गहलोत जो है वो भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि कानूनी मुश्किलों में पड़ेंगे, तो इसको लेकर पहले से तैयारी की जा रही है कि सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक होगा लेकिन बाकी जो मंत्री होंगे सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन पर भी होगी, तो ऐसे चेहरों को बचा कर रखा जा रहा है ताकि सरकार को सुचारू रूप से संभाला जा सके। हाँ। यही वजह है कि जब मनीष सिसोदिया को जेल हुई थी उसके बाद जब उनका आवास खाली किया गया था तो वो आवास आतिशी को दिया गया था, तो ये जो पटकथा है, जो तैयारी है, वो पहले से ही पूरी तरह से तैयार कर ली गई है, लिख ली गई है। मुझे लगता है कि बस केवल एक औपचारिकता होगी जब इस पूरे नाम की सूची जो है उसे जारी कर दी जाए, यानी सुनीता केजरीवाल के नाम की सूची जारी कर दी जाए। हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये देखना होगा कि क्या कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल को क्या किसी भी अदालत से, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं से राहत मिलती है या नहीं। क्योंकि आपको ध्यान में होगा वंदना कि ये वही मामला है जिसमें 13 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, ये वही मामला है जिसमें 6 महीने से संजय सिंह बंद है। तो ऐसे मामले में जहां पर अरविंद केजरीवाल को पिंक पिन बताया गया हो ईडी की चार्जशीट में और ये कहा गया हो का सब कुछ अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही हुआ, ठीक आप कह रहे हैं, वक्त की जरूरत भी है, बीजेपी
हमलावर है, कह रही है नैतिकता के आधार पर, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, चुनाव नजदीक हैं, और ऐसे में स्ट्रेटजी वाइज ही ये तय किया गया होगा जो आप कह रहे हैं कि तय समझिए सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, और इसीलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं। अरविंद मोहन सर हैं, हिमांशु भट्ट जी हैं, डॉक्टर परमवीर हैं, आलोक मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें जिनका जिक्र अभी आशीष सिन्हा ने भी किया, ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, और वो जो तीन फ्रेम अगर हम दिखा पाएं अपने दर्शकों को वो बहुत ज़्यादा खास रहेंगे। तीन फ्रेम जिसमें अरविंद केजरीवाल की जगह बैठी हुई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल नजर आती हैं, जब पहला उनका वीडियो संदेश पढ़ती हैं, फिर दूसरी बार भी वो उसी फ्रेम में नजर आती हैं जहाँ पर अरविंद केजरीवाल बैठकर वीडियो मैसेज दिया करते थे, और जो तीसरी तस्वीर है और जिसका जिक्र अभी आशीष ने भी किया कि वो सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठी हुई नजर आती हैं, वो मंच से रैली में बोलती हैं, यानी कि अभी तक तो रिकॉर्डेड वीडियो संदेश हमने देखे, मंच से बोलना भी एक बड़ा इंडिकेशन है, और इसके बाद वो तस्वीरें भी हम दिखा दें जिसमें सोनिया गांधी के ठीक बराबर में सुनीता केजरीवाल बैठी हुई हैं और बैठकर आपस में ठीक उसी अंदाज में बात कर रहे हैं जैसा कब अरविंद केजरीवाल का किसी भी राजनीतिक मंच पर, जहां विपक्षी एकता की बात होती थी अरविंद केजरीवाल को देखा जाता था, उनकी जगह आज सुनीता केजरीवाल नजर आती हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बताती हैं कि ये सुनीता केजरीवाल किस तरह से अरविंद केजरीवाल के जैसे ही बॉडी लैंग्वेज उन्होंने अपना लिया है, वैसा ही फ्रेम उनका यहाँ पर सेट किया गया है। एक तरीके से ये इंडिकेशन है कि सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी एक तरफ दबाव बना रही है लगातार, ये कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अरविंद मोहन सर, क्योंकि गोपाल राय को भी हमने सुना, उनका ये कहना है कि जेल से और घातक हो गए हैं और विस्फोटक हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, वो ज़्यादा मुश्किलें बीजेपी की खड़ी कर सकते हैं, तो जेल से सरकार चलाने को लेकर सौरभ भारद्वाज भी कह चुके हैं कि बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, जेल से सरकार चलाई जा सकती है, लेकिन कितने दिन तक? नहीं नहीं, जेल से चलाने का मामला कुछ नहीं है, और ये मामला दिखावे भर का तो दो चार दिन चल सकता है, बाकी सरकार के कामकाज में बाधा आएगी, वो नैतिकता के मसले जो भी हों सामान्य ढंग से भी सरकार के कामकाज में उससे परेशानी हो, तो इसलिए वो मत। अरविंद केजरीवाल के या हेमंत सोरेन के जेल जाने से ज़्यादा ताकतवर होने का मसला तो माना जा सकता है, और जेल से अपने देश की पॉलिटिक्स में और आज़ादी की लड़ाई में लोग ताकतवर होकर निकलते हैं, जेल जाके आते हैं, तो आमतौर पर अपराधी जो गया उसकी बात अलग है, नहीं तो आमतौर पर लोग ताकतवर, तो ये गोपाल राय क्लेम कर सकते हैं कि वो जेल गए हैं तो जेल से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और ताकतवर होकर निकले, उस दावे में हर्ज नहीं है। लेकिन सरकार चलाने की बात करना और लंबे समय तक सरकार चलाने की बात, अगर उनकी गिरफ्तारी का दौर लंबा चलता है तो फिर सरकार चलाने में परेशानी आएगी, और परेशानी सिर्फ दिल्ली के लोगों को नहीं होगी या कोई व्यवस्था वाला मसला नहीं है, अगर सरकार की फंक्शनिंग खराब होगी तो फिर वो आपके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पर भी उसका असर आएगा, तो इसलिए ये कहना कि वो जेल में रह उस एंगल से नहीं है, बस ये है कि जेल जाने से उनकी ताकत या उनके प्रति जो एक सिंपैथी का की उम्मीद की जा रही है और ये लोग कर रहे हैं, वो फैक्टर शायद उनको कुछ मदद करे, लेकिन अगर उनका अपराध साबित होता है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ताकतवर होके निकलें, फिर जीरो होके ही निकलें, और इस किस्म के लोग भी अपने यहाँ अपनी पॉलिटिक्स में आए हैं जो जीरो हो गए हैं बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एक उफान की तरह वो आए और छा गए पॉलिटिक्स पे, और मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी गंवाई कई बार, ये जो चार बड़े लोगों को शुरू में ही बाहर किया, प्रशांत जी, योगेंद्र, आनंद कुमार और अजीत झा को, तो उस दौर वाले के बाद मुझे लगता है उन्होंने अपनी ये गंवाई, अदरवाइज वो इनिशिएटिव ऐसा हो गया था जिससे वो ऑल इंडिया एक अल्टरनेटिव खड़ा करने की कोशिश कर सकते थे सिस्टमेटिक, और उसके बाद लगातार वो नीचे ही गए हैं, मेरे हिसाब से तो नीचे ही गए हैं, उनका स्तर नीचे ही हुआ है, राज्यों में सिमटते गए हैं और काफ़ी सारे राज्यों में, पंजाब जीतना फिर एक उपलब्धि है बीच की, लेकिन वो तो इसलिए अरविंद केजरीवाल अगर अपराध साबित होता है तब तो गिरोह हो जाएंगे, लेकिन अपराध साबित नहीं होता है और उसकी भी गुंजाइश मुझे दिखाई देती है, क्योंकि
इस केस में पर्याप्त पॉलिटिकल मसाला घुसा हुआ है। होता है या नहीं होता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब उससे ठीक पहले तो चुनाव नजदीक है और चुनावों को देखते हुए यहाँ स्ट्रेटेजी सभी पार्टियां अब अपनी अलग अलग तरीके से बना रही हैं। लेकिन आलोक मेहता सर, चूंकि लंबे समय का जो पत्रकारिता का अनुभव है वो भी आपको है, इंदिरा गांधी से लेकर आज तक का समय आपने देखा है, जब जब जनता के चुने हुए नेताओं के साथ कोई भी मिसहैपनिंग किसी भी तरह की होती है तो एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है, उसे सिंपथी गेन करना भी आप कह सकते हैं, क्या यहाँ इस केस में आपको नजर आ रहा है अगर सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाई जा रही है स्ट्रैटेजी वाइज? तो मिस्टर जी, अभी सब ये कहना, चूंकि हम लोग जैसे आशीष जी ने भी कहा, कुछ तो अदालत पर निर्भर है कि अदालत आगे क्या कदम उठाती है चार दिन बाद। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी जरूर मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की, और उसके लिए मैं उस बातों से असहमत हूँ कि वो कोई अचानक सब कुछ कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव के वक्त का इंतजार कर रहे थे, फिर सुनीता केजरीवाल जी बहुत अनुभवी, आपने ध्यान नहीं दिया, कई बार ये कहा जाता है कि नहीं वो साथ में नहीं थी, अन्ना आंदोलन के बाद जब विजय हुई तब भी वो छत पर खड़े होकर के जहां जहां केजरीवाल होते थे शालीनता के साथ भी, चूंकि पहले तो वो सर्विस में, वो भी इनकम टैक्स के अधिकारी है, बल्कि यदि मुझे याद पड़ता है कि वो एक आध साल हो सकता है इनसे पहले ही अनुभवी हो, साथ में जब काम किया और शादी हुई, मतलब वो मैं डिटेल इस समय नहीं कह सकता। तो सुनीता केजरीवाल भी बहुत समझदार है, क्योंकि छह महीने से तो खुद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमारी पूरी कैबिनेट को ही गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार किया जाना है, मनीष को गिरफ्तार करेंगे, मनीष को करेंगे, मनीष तो साल भर से जेल में ही। तो जो कुछ कल भी जो कुछ उन्होंने रामलीला मैदान में बोला ये सब स्क्रिप्टेड, जैसे हम नहीं कहते आगे की तैयारी करके रखते हैं, उन्होंने किया है। और दूसरा जो उपराज्यपाल ने कहा था वो भी एक संकेत है, मैं इसलिए दोनों संभावनाओं पर अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि ज्यादा ऐसी स्थिति दिखने पर संविधान वेत्ता या कानून वेत्ता, ये ठीक है कि आमतौर पर भंग नहीं किया जाता, मुख्यमंत्री को नहीं किया जाता, सस्पेंशन का एक विधानसभा को प्रावधान है जो राज्यों में भी हुआ है, कई बार ऐसे अवसर आए हैं तब